एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में एक मैन है ऑफ मास एम एंड एक ब्लॉक है मास एम सेम मास के मैन एंड ब्लॉक है। एक मासलेस आपके पास रोप है। क्वेश्चन में कह रहे हैं द मैन इज क्लाइंबिंग अप द रोप। मैन जो है रोप पर क्लाइंब कर रहा है, तो हमें प्रूफ करना है व्हाट एवर द फोर्स दिस मैन एग्जर्ट ऑन द रोप। मैन एंड ब्लॉक मूव इन सेम डायरेक्शन विद सेम एक्सेलरेशन। फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है इन द प्रोसेस ऑफ मोशन इनके बीच की जो सेपरेशन है मैन एंड ब्लॉक के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होगी, ये भी आपको रिजल्ट बताना है। देखिए सबसे पहले मुझे ये देखना है यहाँ पर जो मैन है, कई बार ये क्वेश्चन मैन की जगह यहाँ मंकी आता है, मंकी मुझे बनाना टफ लग रहा था इसलिए मैंने मैन को यहाँ बना दिया है। अब देख रहे हैं मैन और रोप में कैसे फोर्स ट्रांसफर हो रही है। सपोज करिए हमारे पास रोप है, हम इस पर देखो एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे, जैसे उसको स्लिपिंग करते हैं ना, तो हम यहाँ इसके फिंगर और इसके बीच में फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है। तो हम इस पर क्या हमारे हाथ के थ्रू हम इस पर इस रोप पर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे, तो रोप हमारे पास कैसा फोर्स अप्लाई करेगी अपवर्ड। तो अब देखिए हमने सपोज दैट ये रोप का एक मैंने पीस लिया है, इस रोप के पीस पर हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, सपोज दैट ये फ्रिक्शन के थ्रू मैंने एक फोर्स अप्लाई किया डाउनवर्ड, और इस एक यहाँ पे एक स्मॉल पीस कट कर लें, रोप का एक स्मॉल पीस मैंने कट किया, कट करने पर यहाँ पर एक टेंशन आ गया। रोप कैसी है मासलेस है, इसका मास कितना है एम प्राइम इज इक्वल टू जीरो। यदि हम इतने और सपोज दैट इसका एक एक्सेलरेशन चूज कर लें ए वन, ठीक है। यदि हम इतने पीस पर इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना चाहें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव दे रहे हैं, दिस एफ माइनस टी दिस इज इक्वल टू मास की वैल्यू जीरो इंटू ए वन, क्या रिजल्ट आ रहा है दिस एफ इज इक्वल टू टी। तो आप देख रहे हैं कि जो मैन पर फोर्स, अब मैन देखो मैन ने ये फोर्स कौन सा अप्लाई किया है रोप पर, एफ अप्लाई किया हुआ एफ इक्वल टू टी है, तो रोप मैन पर कितना फोर्स अप्लाई करेगी वही सेम टी अप्लाई करेगी, ठीक है। तो एफ इक्वल टू टी एक्शन रिएक्शन की फोर्स, यदि हमने इस पर फोर्स डाउनवर्ड एफ अप्लाई किया है तो ये रोप हमारी पर अपवर्ड एफ फोर्स अप्लाई करेगी, ओके। तो ये प्रॉपर्टी यूज करें, तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास मैन पर मैंने फोर्स कैसा चाहिए अपवर्ड चाहिए, यदि मैन का हम एफ बी डी पता करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक टेंशन मैंने अप्लाई कर दिया क्योंकि ये एक रोप एक मैन पर कितना अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, मैन का एक वेट होगा एम जी डाउनवर्ड, ठीक है। और सपोज दैट मैन का एक एक्सेलरेशन हम चूज कर लें, ये मैंने मैन का एक एक्सेलरेशन चूज कर लिया, और हम क्या चाह रहे हैं सपोज दैट इस ब्लॉक का हम एफबीडी बनाएंगे तो इसकी कितनी वैल्यू होगी एम जी, यहाँ पर भी टेंशन टी क्योंकि रोप में अपनी पॉइंट पर सेम टेंशन मासलेस, और सपोज दैट इसका एक्सेलरेशन ए टू, ओके। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाह रहे हैं किसके लिए, मैन के लिए और इस ब्लॉक के लिए। तो मैन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कितना हो जाएगा, दिस टी माइनस एम इंटू जी दिस इज इक्वल टू कितना होगा एम इंटू ए वन, दिस इक्वेशन नंबर वन। इसी टाइप से हमारे पास ब्लॉक के लिए देखिए टी माइनस एम इंटू जी दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए टू इक्वेशन नंबर टू। अब इन टू इक्वेशन को चेक करिए मैन एंड ब्लॉक, लेफ्ट साइड दोनों की सेम है तो राइट साइड भी सेम होना चाहिए, और राइट साइड सेम कब होंगे जब ए वन इक्वल टू ए टू, तो यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है दिस इंप्लाइड ए वन इज इक्वल टू ए टू। मीनिंग क्या है, जितने एक्सेलरेशन अर्थ के रेस्पेक्ट में जितने एक्सेलरेशन से मैन अप मूव करेगा अब थर्ड मूवमेंट होगा उतनी एक्सेलरेशन से आपके पास ये ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन इनके पास स्टेटमेंट क्या था, क्या प्रूफ करना था, आप कुछ भी फोर्स टी की वैल्यू जितना फोर्स अप्लाई करना चाहे अप्लाई कीजिए, व्हाट एवर द फोर्स मैन एग्जर्ट ऑन द रोप और कुछ भी फोर्स अप्लाई कीजिए, लेकिन ये वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्योंकि वेक्टर फॉर्म एक लाइन के लोग आपके पास एल्जेब्रिक फॉर्म है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की वैल्यू सेम होगी। अब ये कह रहे हैं इनका सेपरेशन चेंज नहीं होगा,
जो भी सेपरेशन, यदि इनिशियल सेपरेशन इनका जीरो है, तो जैसे ये आगे मूव करेंगे तो इनके सेपरेशन की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। मीनिंग क्या है, एक्सेलरेशन सेम है, और जब मैन स्टार्ट कर रहा तभी तो ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी दोनों की, यदि इन्होंने किसी एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यदि एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करना चाहिए इक्वेशन, जितना डिस्प्लेसमेंट इसमें आएगा उतनी डिस्प्लेसमेंट इसमें आएगा, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इनके बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होगी, तो जितना ये आगे बढ़ ऊपर अप शिफ्ट होगा उतना ये ब्लॉक शिफ्ट होगा, तो इसका मैन को क्या फील होगा, इसकी जस्ट अपोजिट। यदि इनिशियल सेपरेशन जीरो तो इसे ये फील होगा जस्ट अपोजिट है। यदि यहाँ पर एक मिरर अटैच कर दें, एम मास है, एक मिरर अटैच कर दें इस ब्लॉक की जगह, तो ये मैन अपना फेस मिरर में कंटिन्यूस देख सकता है। ओके,